कोई इशू नहीं है। डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। देखिए, आज माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री लालचंद जी कटारिया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई थी, और इस वीसी का जो प्रमुख बिंदु था वो वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर टिड्डी का इन्फेस्टेशन हुआ है उसकी तैयारियां, उसके बारे में जानकारी, उसकी समीक्षा, इन सब बिंदुओं की आज जो है उनके द्वारा की गई है। और जैसा कि आपको पता है कि अजमेर ज़िले में भी पहली बार जो है टिड्डियां जो है वो पहुंची हैं। दिनांक 11 तारीख से अजमेर में लगभग 4 अलग अलग दिशाओं के अंदर जो है टिड्डी का इन्फेस्टेशन हुआ है, और उसको हम काफ़ी प्रभावी तरीके से उसका नियंत्रण भी कर पाए हैं। तो आज वीसी के माध्यम से मंत्री जी को और प्रमुख शासन सचिव महोदय और कमिश्नर एग्रीकल्चर को ये अवगत कराया गया है कि अजमेर ज़िले में जो हम लोगों ने 3 T स्ट्रेटजी के ऊपर हमने काम किया था। पहली स्ट्रेटजी थी हमारी टीम वर्क की, जिसमें हम लोगों ने सर्वे टीम और कंट्रोल टीम अलग अलग से कॉन्स्टिट्यूट की थी। और सेकेंड टी था हमारा जो डिफरेंट टेरेन है हमारा अजमेर ज़िले का, काफ़ी हिस्सा तो ऐसा है जो समतल है और काफ़ी सारा हिस्सा जो है ऐसा है जिसकी अंडुलेटेड टोपोग्राफी है, पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, कटीली झाड़ियां क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है। तो उनको आज अवगत कराया गया कि जहां पर ये समतल क्षेत्र था, जैसा चीताखेड़ा आप लोगों ने भी देखा होगा, वहां पर हम टिड्डियों को फ्लैट लैंड के अंदर जो है लगभग 70% हम उसको वहाँ पर मार पाए, परंतु जो दुर्गम क्षेत्र थे जैसा कि बेगलियावास ग्राम पंचायत के अंदर हुआ या न्यारा ग्राम पंचायत में हुआ, जहाँ पर बंजर भूमि थी, पथरीली भूमि थी, चट्टाने थी और ऊंचाई पे पहाड़ियाँ थी, और उन ऊंचे वृक्षों के ऊपर जो टिड्डियाँ बैठी हुई थी उसको नियंत्रण करने में हम लोगों को काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त हम लोगों को करनी पड़ी है। तो उस के बारे में भी उनको अवगत कराया गया। और तीसरा टी जो है वो हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस के ऊपर था, जिसमें हमने नॉर्मली रूटीन से हटके हमने आधी रात से ही जो है उनके ऊपर टिड्डियों के ऊपर नियंत्रण करने का कार्यक्रम चालू किया, और हम लोगों ने तकरीबन 12:15 बजे से लेकर प्रातः 8:30 बजे तक जो है इस ट्रीटमेंट को हमने इफेक्टिवली अपने यहाँ पर कारगर सिद्ध किया है, जिसमें लोकस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की टीम जो है वो 5 बजे उन लोगों ने हमको ज्वाइन किया है। और इस प्रकार से हम टिड्डी को काफ़ी प्रभावी तरीके से अजमेर ज़िले में हम हमारी फसलों को बचा पाए हैं और इसका हमने प्रभावी नियंत्रण किया है। इस बिंदु के अलावा आगामी जो खरीफ है उस खरीफ की तैयारियों के संदर्भ में, खाद बीज की उपलब्धता के संदर्भ में आज वीसी के अंदर जो है समीक्षा की गई है। अजमेर ज़िले में फ़िलहाल जो है अभी पर्याप्त मात्रा में सीड है, हालांकि ज़रूर कुछ ज्वार और बाजरा और तिल इसका सीड अभी कुछ कम उपलब्ध है, परंतु सीज़न के साथ में जो है वो प्राइवेट डीलर्स के यहाँ पर ये बीज भी जो है आना उपलब्ध हो जाएगा। जहाँ तक फर्टिलाइज़र का सवाल है, उर्वरक समुचित मात्रा में उपलब्ध है। इस प्रकार से ज़िले के अंदर हम आगामी जो खरीफ है हमारी उसकी हम पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं।